हमारे यहां पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा, हम उनसे कहना चाहेंगे कि शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा स्थापना स्थापित होती है। प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत मूर्ति को होती है, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत मूर्ति को होती है। शिवजी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, शिवजी को प्राण नहीं दिए जाते, शिव तो खुद दुनिया को प्राण देते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा होती। ब्राह्मण आएंगे, यज्ञ करेंगे, पूजन करेंगे, सारे अधिवास करेंगे और उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। दूसरी कोई मूर्ति हो, कोई दूसरी मूर्ति हो, उसमें प्राण दिए जाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और शंकर भगवान का जो शिवलिंग हम स्थापित करते हैं, उसको कहते हैं स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना, स्थापित करना। जो दुनिया को प्राण देने वाला हो, जो दुनिया को प्राण प्रदान कर रहा हो, उसे प्राण नहीं दिया जाता, उसकी प्रतिष्ठा होती है। ध्यान दें, एक होता है प्रतिष्ठित शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग? जम के बोलो जरा, प्रतिष्ठित। आपके घर के आसपास में कहीं मंदिर है? बोलो बोलो जम के जरा, है? अपने घर के आसपास में जो मंदिर है, अपने घर के आसपास में जो ब्राह्मणों द्वारा, संतों द्वारा, साधुओं द्वारा, गुरुओं द्वारा, सन्यासियों द्वारा, तपस्वियों द्वारा, साधकों द्वारा, सती द्वारा, सावित्री द्वारा, किसी ब्राह्मण विद्वान द्वारा जिस मंदिर के अंदर स्थान पर जो शिवलिंग रखा जाता है, उसको प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। प्रतिष्ठित शिवलिंग तो प्रतिष्ठित है, स्थापित है। और फिर वर्णन किया, वो प्रतिष्ठित शिवलिंग की गणना में आ गया। दूसरे नंबर पर आता है स्वयंभू शिवलिंग। दूसरे नंबर पर कौन सा है? जम के बोलो जरा सा, स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग कैसा होता है? जो स्वयं अपने आप प्रकट हुआ, कोई वृक्ष की तनों में, कोई वन में, कोई स्थान पर, कोई गुफा में, कोई पर्वत पर, कोई नदी के तट पर, कोई स्थान पर प्रतिष्ठित, अर्थात जो अपने आप प्रकट हुआ, वो स्वयंभू शिवलिंग है। तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर उपशिवलिंग। उपशिवलिंग से मतलब होता है जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, ऐसे ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में वो स्वयं उसी ज्योतिर्लिंग के नजदीक में विराजमान होता है, उसे उपशिवलिंग कहते हैं। हमारे बीच में संत महाराज पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर, उसको उपशिवलिंग कहते। ये तीसरे नंबर का। और चौथे नंबर का शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग। तो पहले नंबर का स्थापित शिवलिंग, दूसरे नंबर का बोलते जाओ जम के स्वयं, तीसरे नंबर का उपशिवलिंग और चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग। अब समझिएगा, 1000 बार जल चढ़ाए अपने स्वयं के जो स्थापित शिवलिंग है, उस पर जल चढ़ाएंगे तो 1000 बार जल चढ़ाने से जो फल मिलता है, वो एक बार स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो स्वयंभू शिवलिंग पर 1000 बार जल चढ़ाने से फल मिलता है, वो उप शिवलिंग पर एक बार जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो उप शिवलिंग पर 1000 बार
जल चढ़ाने से फल मिलता है, वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। ये शिवलिंग की, ये शिवलिंग।